बासमती चावल हमारे देश के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर है। इसकी खेती 7 राज्यों में किए जाने के लिए इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। ये राज्य हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के 27, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27 ज़िले और उत्तराखंड। जो परंपरागत बासमती की प्रजातियाँ होती थी, जैसे बासमती 370, त्रावड़ी, बासमती आदि, उनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है और अक्सर दाना भरने पर वो गिर जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी पैदावार बहुत कम होती है और उनको पककर तैयार होने में भी करीब 160 दिन का समय लगता है। सन 1989 में बासमती की पहली अर्धबवनी प्रजाति पूसा बासमती 1 विमोचित की गई। इसकी पैदावार काफ़ी अच्छी थी, करीब 6 टन प्रति हेक्टेयर, जबकि पारंपरिक बासमती की पैदावार 2.5 टन प्रति हेक्टेयर होती है। लंबे समय तक इसकी खेती होने के बाद धीरे धीरे ये किस्म बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो गई। सन 2003 में संस्थान के द्वारा पूसा बासमती 1121 का विकास किया गया। इस किस्म की खासियत थी कि पकाने के बाद चावल की लंबाई तकरीबन 1 इंच हो जाती थी। कम चावल पकाकर ज़्यादा लोगों को आप खिला सकते थे। इस किस्म ने एक अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किया बासमती के निर्यात में। और सन 2013 में संस्थान के द्वारा पूसा बासमती 1509 एक प्रजाति विकसित की गई, जो मात्र 120 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है और इसकी पैदावार भी 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की होती है। पूसा बासमती 1509 के आने से किसानों को धान के बाद, बासमती धान के बाद, मटर लगाने के लिए और आलू की खेती करने के लिए एक सुनहरा मौका मिला, जिससे उनकी आमदनी बढ़ी। इसके साथ ही साथ सन 2007 में हम लोगों ने बासमती की एक नई किस्म पूसा बासमती 6, या जिसको हम 1401 के नाम से जानते हैं, उसका विकास किया। इस किस्म की पैदावार औसतन करीब करीब 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की होती है, लेकिन पककर तैयार होने में यह भी 155 दिन का समय लेती है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार क्षेत्र में इसकी बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है। ये तीनों प्रजातियाँ पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1121 और पूसा बासमती 1401, जो कुल मिलाकर के बासमती का जितना रकबा है करीब 2 मिलियन हेक्टेयर का, उसका 95% इन तीन किस्मों के अंतर्गत आता है। ये तीनों किस्में समय के साथ साथ पत्ती के झुलसा रोग और झोंका रोग के लिए संवेदनशील हो गई हैं। इसलिए संस्थान में काफ़ी लंबे समय से यह अनुसंधान कार्य चल रहा था, जिसमें हमारा उद्देश्य था कि पूसा बासमती 1509, 1401 और 1121 में रोगरोधी क्षमता का विकास किया जाए। और इसी दिशा में प्रयास करते हुए पिछले वर्ष हम लोगों ने 3 नई प्रजातियां विकसित की हैं, जिसमें पूसा बासमती 1509 का सुधार करके पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1121 का सुधार करके पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 6 यानी 1401 का सुधार करके पूसा बासमती 1886 विकसित की गई है। इन तीनों नई प्रजातियों में पत्ती का झुलसा, जिसको हम बैक्टीरियल ब्लाइट कहते हैं, और झोंका रोग, जिसको हम ब्लास्ट की बीमारी कहते हैं, इसको गर्दन तोड़ भी कहते हैं किसान भाई, पत्ती के ऊपर भी ब्लास्ट आती है, इन बीमारियों का प्रकोप इन तीनों प्रजातियों में बिल्कुल नहीं होता है।